और इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें, पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर। आज जो लोकसभा में उनका होना है विश्वास प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा हुई है उसका जवाब देने के लिए, तो विपक्ष के विश्वास प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब। लोकसभा में आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होगा, विश्वास प्रस्ताव का जवाब, और मणिपुर पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो 4 बजे होगा। पीएमओ ने ट्वीट कर ये जानकारी फाइनल कर दी है, दे दी है। तो इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का आज लोकसभा में। विश्वास प्रस्ताव पर जवाब देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और किस तरीके से आज वो विपक्ष के ऊपर शब्दों की बाढ़ चलाएंगे ये सुनने का इंतजार है देश को। अभी तक विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर घेरता रहा है सरकार को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। आज मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे ये 4 बजे पता चल जाएगा। 4 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण संसद के लोकसभा में शुरू होगा। तो ये देखिए ट्वीट में आपको इस समय दिखा रही हूं, ये ट्वीट आपके सामने है, अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 बजे भाषण होगा। पीएमओ ने यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह जानकारी अब सार्वजनिक की है ट्विटर के जरिए। तो विश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शाम 4 बजे संसद की लोकसभा में होगा। ये ट्वीट आपके सामने, एट अराउंड 4 PM दिस इवनिंग पीएम नरेंद्र मोदी विल बी टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यानी प्रधानमंत्री शाम को 4 बजे संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेंगे। और विपक्ष जो है वो शुरू से ही कह रहा है कि हमें पता है कि हमारे पास आंकड़ा मौजूद नहीं है, हम सदन में बहुमत में नहीं है, लेकिन हमने ये विश्वास प्रस्ताव बुलाया ही सिर्फ इसलिए है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर अपना बयान दे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे, 4 बजे उनका भाषण लोकसभा में होगा। कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी भी कह रहे हैं मणिपुर पर प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है। तो ये जो सीरियस और नॉन सीरियस की जो बहस पिछले 3 दिनों से संसद में चल रही है उसको लेकर पीएमओ ने अब ट्वीट कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 4 बजे भाषण होगा।